नमस्कार मैं रमेश शर्मा आप देख रहे हैं आर एस एन एक्सप्रेस इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने 2019 से लेके अब तक के सफ़र में लगभग 10 से 11 चोटियों की फतेह की है पर्वतारोही रीना भट्टी हमारे साथ हैं अभी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है उस रिकॉर्ड के बारे में पहले जानेंगे उसके बाद इनका जो सफ़र है 2019 से लेकर अब तक का सफ़र के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे आप इस खबर को शेयर भी करें कमेंट भी करें और जो एक तरह से पर्वतारोही जो एक तरह से आगे आने वाले समय में बनना चाहते हैं और रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कैसा सफ़र होता है किस तरह से ध्यान रखना चाहिए किस तरह से चढ़ाई होती है किस तरह की समस्याएँ आती है सारी चीज़ हम बात करेंगे रीना भट्टी जी से रीना जी पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने जो रिकॉर्ड बनाया है उसके लिए थैंक यू सर थैंक यू तो अब जो रिकॉर्ड आपने बनाए हैं कौन सी चोटी में आपने फतेह की है चढ़कर सर uh, मैंने uh, रूस और यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्बर्स uh, पे रिकॉर्ड बनाया है uh, uh -huh. क्योंकि माउंट एल्बर्स दो पार्ट में डिवाइडेशन है uh -huh. uh, क्योंकि दो माउंटेन है एक ईस्ट साइड है एक वेस्ट साइड है जो हम यूजुअली क्लाइम करते हैं वो माउंट एल्बर्स वेस्टर्न साइड से क्रॉस क्लाइम करते होते हैं बट दूसरी साइड भी एक और माउंटेन है जिसकी हाइट में आ, जैसे माउंट वेस्ट है वो फाइव सिक्स फोर टू मीटर की हाइट में है और ईस्ट जो पार्ट है वो फाइव सिक्स टू वन मीटर में है तो ईस्ट पार्ट जो था वो इंडिया में अभी तक किसी लड़की ने क्लाइम नहीं किया था तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और दूसरा एक ये भी रीजन था कि मैं पंद्रह अगस्त को सबमिट करना चाह रही थी कि पंद्रह जैसे अभी क्या चल रहा था कि आज़ादी अमृत महोत्सव हम मना रहे थे तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं खोना नहीं चाहती थी नहीं। तो मुझे जैसे ही मुझे पता चला कि ईस्टर्न पार्ट अभी तक किसी लड़की ने इंडिया में क्लाइम नहीं किया है तो मुझे उस अपॉर्चुनिटी को उठाना था और उसमें मैं कहीं कामयाब भी रही और ये रिकॉर्ड भी कायम कर पाई कि मैं इंडिया की पहली ऐसी लड़की बन पाई जो माउंट एल्बर्स वेस्ट और माउंट एल्बर्स ईस्टर्न को क्लाइम कर पाई और अपने देश का झंडा लहरा पाई जी जैसे कि आज़ादी के पिछहत्तर साल पूरे होने पे आपने रिकॉर्ड बनाना था और उस रिकॉर्ड बनाने में आप कामयाब भी हुई तो कैसा सफर रहा वहाँ जब पहुँचने में और कठिनाइयाँ किस तरह से आती हैं क्या क्या रहता है कि जैसे चढ़ाई आप चढ़ते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं सर जब हम लोग यहाँ से निकले थे और प्लान करके जो निकले थे वो ये था कि पंद्रह अगस्त को आज़ादी जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो सिर्फ हमें यही पता था जब हम इंडिया से निकले थे कि माउंट एल्बर्ट सिर्फ वेस्टर्न पार्ट से ही क्लाइम होता है तो वहाँ जाके जब हमें पता चला कि जब हम लोग बेस कैंप पे पहुँचे ना बेस कैंप पे हमें साइड में एक और पीक को देखा तो तब पता चला हमने रशियन कंपनी से पूछा कि ये कौन सा पार्ट है तो उन तब उन्होंने हमें बताया कि ये माउंट एल्बर्स का ईस्टर्न पार्ट है तो तब लगा कि हाँ मतलब अब फिर हमने आ, किया कि ठीक है 15 अगस्त माउंट एल्बर्स वेस्टर्न साइड से तो हमने करना ही था बट ईस्टर्न से हो जाएगा तो वो लगेगा कि सोने पे सुहागा हो गया और दो आ, 15 अगस्त के दिन इंडिया का फ्लैग दो पीक पे अगर मैं लहरा पाऊँ तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं थी तो आपके दिमाग में जब वहाँ जाने के बाद ये चीज़ आई कि पहले नहीं पता था कि दो चोटियाँ वहाँ पे एक ही था तो बाद में जैसे पता चलते ही आप में ये सोच लिया कि आज़ादी के पिचहत्तर साल भी पूरे होंगे और मैं ये काम भी करूँ हाँ यही था कि मुझे मतलब है ना मैं बहुत खुश थी कि मुझे दो पार्ट क्लाइम करने को मिल रहे हैं बट डिफ़िकल्ट पार्ट ये था कि हमने जो वेस्टर्न पार्ट का पूरा जो स्ट्रक्चर था कि फ़ीस सबमिट करनी है या फिर हम पूरी वेस्टर्न पार्ट के लिए तैयारी कर करके गए थे ईस्टर्न पार्ट की हमारे पास तैरी बिल्कुल भी नहीं थी तो सडनली सदन्... हमें ना वो डिसीज़न लेना था लेकिन क्या होते है? जब दूसरी कंट्री में जाते तो आप कुछ कुछ पैसा एक्स्ट्रा आप लेके जाते हो लेकिन हमारे पास वहाँ पे पैसे की भी शॉर्टेज होगी क्योंकि वॉर की वजह से ना कार्ड चल रहे थे ना कैश था सिर्फ और, ना डॉलर भी ले रहे थे वो एटलीस्ट रशियन कंट्री में तो वो एक्सेप्ट कर रहे थे सिर्फ डॉलर सॉरी डॉलर नहीं रूबिल तो एक ये भी पार्ट आ गया कि अब मतलब अपॉर्चुनिटी तो मिली बट दे आर वेरी प्रोफेशनल तो वो मतलब कैसे हम उस सब को अरेंज करेंगे करें। तो जैसे भी हमारी टीम थी जितना भी हमारे पास सेविंग मनी था वो सारा सेविंग हमने ईस्टर्न पार्ट की फीस को और और जो एक्स्ट्रा मनी था उसको वो सब कवर करके ईस्टर्न पार्ट की जो अपॉर्चुनिटी मिली और फिफ्टीन सेवेंटी जो हमने ईयर पूरे करे हैं आज़ादी महोत्सव मना रहे थे तो ऐसे करके हमें मौका मिला कि हम देश का झंडा वहाँ पर रहलाया आपने रिकॉर्ड बना के आई हैं भारत की पहली आप महिलाएं इन दोनों चोटियों को फतेह करने वाले तो सरकार की तरफ से जैसे आप आई हैं तो सरकार की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार की तरफ से कैसा उनका वो रहा आपके लिए सर uh, अगर मैं गवर्नमेंट की साइड से बात करूं तो उन्होंने खुशी अभी सोशल मीडिया पे जाहिर की है बाकी वर्बली ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि उनकी साइड से कोई रिस्पांस आया हो हाँ जब सीएम सर ने ट्वीट किया डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट अथॉरिटी से और स्पोर्ट्स मिनिस्टर की साइड से और आ, कमलेश डांडा मैम जो हैं उनकी साइड से जब मुझे रिस्पॉन्स मिला तो अच्छा लगा कि एटलीस्ट कुछ तो गवर्नमेंट की साइड से रिस्पांस आया क्योंकि उससे पहले तो कोई रिस्पांस भी नहीं था जैसे छोटी फतेह करके आप पहुंचते हैं बहुत मेहनत होती है कड़ी मेहनत होती है खिलाड़ी जब जाते हैं विदेशों में कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाते हैं तो वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो एकदम से उनको मतलब सरकार की तरफ से पूरी लाभ मिलता है सभी जो भी फैसिलिटी वो दी जाती है उनको अमाउंट भी दिया जाता है उनको जॉब भी दिया जाता है जैसे अगर जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें फतेह करने उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से कोई इतनी वो नहीं होती पहल नहीं होती क्या मानती हैं सर uh, uh, अभी मैं उस चीज़ में ये कहूँगी कि शायद ड्राउ बैक ही एडवेंचर फील्ड का कि इतना अभी आगे नहीं आ रही सरकार एडवेंचर फील्ड को लेके हाँ ये ये जरूर है कि हम लोग इतने डिफ़िकल्ट ले, लेवल पे जाके जहाँ फिज, पर फिजिकल भी है मेंटली भी है सब चीज़ है अदर स्पोर्ट्स के बारे में अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को वो उदा या फिर वो स्पोर्ट नहीं मिलता गवर्नमेंट की साइड से जो उनको मिलना चाहिए और जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि जो पॉलिसी बनाई गई है वो उनमें से अगर मैं एक पिक की भी बात करूँ तो उसमें कम से कम बारह से पंद्रह लाख रुपये का खर्चा आ रहा है जबकि गवर्नमेंट की साइड से अचीव करने के बाद भी हमें पाँच लाख रुपये की अप्रीसीशिएशन कैश मनी जो मिल रहा है तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है ओब्वियसली वो नेशनल लेवल पे ही कर रहा है वो जितना भी उसके पैरामीटर हैं आप उसको क्रॉस चेक करें और उन बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो मतलब देश के लिए कुछ तो कर सके ना भारत का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं जाकर हाँ बिल्कुल अभी मेरा नेशनल रिकॉर्ड बना है तो मैं उसको क्या बोलूँगी अगर मुझे नेशनल रिकॉर्ड बनने की खुशी है मेरे परिवार को है मेरे समाज को है मैं देश को भी आ, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उसके बाद अगर मुझे वो उसका किया नहीं मिलेगा तो क्या होगा सर जैसे स्पोर्ट्स की अगर बात करें स्पोर्ट्स में इतना मतलब डेंजर नहीं रहता जिस हिसाब से आप इतनी ऊंचाई की उसमें पहुंचते हैं ऑक्सीजन की भी कमी होती है चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है फिसलने का भी डर रहता है बहुत सारे रिक्स का है पूरा पूरा उसके बावजूद अगर सरकार मदद नहीं करती है तो फिर किस तरह से ये आगे ये प्रक्रिया चलेगी आ, सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही हमें पता चला कि ईस्टर्न पार्ट भी है माउंट एल्बर्ट्स का और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जैसे अभी बताया मैंने कि हमारे पास पैसे की एकदम से टेज हुई क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी तो उठानी थी लेकिन पैसे वाली फिर शॉर्टेज आ गई तो वो वो ऐसे ऐसे जब मोमेंट आते हैं ना तब ऐसे लगता है कि चलो हम कुछ कर तो रहे हैं बट कहीं ना कहीं से वो होता है कि चलो मिल भी नहीं रहा ना गवर्नमेंट की साइड से कि अप्रिशिएशन हो या तो या फिर कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिसे लगे कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें वो उत्साहित या प्रोत्साहन मिले कुछ मैं ये भी देख रहा था जैसे हालांकि आपने तस्वीरें वहाँ से शेयर की सोशल मीडिया ने सभी से हमने भी डाली और लोगों ने भी डाला उसके बाद हरियाणा सरकार जागी उसके बाद डिप्टी सीएम एम चौटाला ने पोस्ट की उसके तुरंत बाद कुछ मिनट बाद फिर सीएम साहब ने की तो आपको नहीं लगता इसमें भी कि आपका जो इवेंट है जैसे आप करते हो उसको लेकर भी सरकार इतनी वो नहीं है हाँ बिल्कुल सर एडवेंचर फील्ड में एक ड्रॉबैक है इस चीज़ का कि सरकार आगे नहीं आ रही है फ्रंट पे नहीं आ रही है मैं वही कह रही हूँ कि जो बच्चा डिजर्व करता है एटलीस्ट उसको ही मतलब उसको आप जितने भी पैरामीटर होते हैं अदर स्पोर्ट्स में भी ऐसे पैरा कैटेगरी और पैरामीटर बनाए गए हैं तो एडवेंचर फील्ड में भी ऐसे कैटेगरी और पैरामीटर बनाए जाए या पॉलिसी कुछ बनाई जाए जिससे जो कैपेबल बच्चा है उसको उसके हक का मिलना चाहिए जैसे अगर हरियाणा की हम बात करें लगभग कितने आप ऐसी महिलाएँ हैं जैसे कि रोई है uh. अभी जो चल रहा है वो अनीता मैम है एवरेस्टर अनीता कुंडू कविता दुवन शिवांगी पाठक है और अपना मनीषा पायल हैं तो हम लोग हैं जो हिसार से ही बिलोंग करती हैं ये बहुत बड़ी बात है हिसार से ही हिसार जिले के आप लोग सारे हैं के निवासी और पांच के पांच जो आप लोग हैं जैसे प्रभातारोही आप लोग हैं उसमें इतने जैसे और हिसार की अगर बात करें और डिप्टी सी भी एक तरह से हिसार उनका निवासी आना जाना है और राजनीतिक अगर बात करें राजनीति का गढ़ भी ये रहा है उसके बावजूद आप लोगों को अनदेखा किया जाए तो फिर तो दुख की बात है बिल्कुल सर आ, मैं वही बोलियों कि सिर्फ जैसे आपने अभी बोला कि जब मेरी पोस्ट आने के बाद डिप्टी सीएम सर ने और सीएम सर ने पोस्ट किया जबकि ये न्यूज़ तो उनकी उनसे पहले उनके पास सबसे पहले उनकी, सब सब उनकी साइड से होना चाहिए क्योंकि अदर स्पोर्ट्स में भी तो कुछ कैटेगरी है ना सर कि जैसे ही गोल्ड मेडल आता है तो पोस्ट आ जाती है या फिर वो चीज़ वायरल की जाती है लेकिन हमारा क्या एक पोस्ट डाल के छोड़ दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर जी जैसे बातचीत करते हैं बच्चों को हौसला देते हैं कि मेडल लेके आना ये लेके आना अगर आप लोगों के साथ भी अगर सरकार की तरफ से पूरी मदद मिले तो क्या रिजल्ट निकलने वाला है फिर बिल्कुल सर जितने बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया पे भी जुड़े हुए हैं या बहुत सारे ऐसे मैसेज है कि आपकी तरह कुछ करना है या फिर मैसेज आते हैं कि क्या प्रोसीजर है तो वो वो बच्चे मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट सब में अलग अलग होता है तो कुछ बच्चों का जो इंटरेस्ट माउंटरिंग फील्ड में है लेकिन वो क्या है कि जब कोई पॉलिसी नहीं बनी है जब हर बच्चा सोचता है कि फ्यूचर बनना चाहिए माँ बाप को ये भी होता है कि कुछ बच्चा अचीव कर ले तो एटलीस्ट उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे तो जब एडवेंचर फील्ड में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनेगी ऐसा कोई लगेगा नहीं बच्चे को कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उस मेहनत का मिल नहीं रहा तो कोई भी माँ बाप और कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि मैं उस फील्ड में जाऊँ जहाँ पर मेरा कोई फ्यूचर ही ना हो बिल्कुल सरकार की तरफ से हम भी चाहेंगे सरकार को कि इस और गौर करना चाहिए ताकि पर्वतारोही जितने भी हैं उनको मदद मिले और उनको अगर सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी कोई अपॉर्चुनिटी हो तो और बच्चे भी इस और आगे बढ़ेंगे और एक एडवेंचर जो गेम है उसमें भी बढ़ चढ़कर बच्चे भाग ले सकते हैं तो जैसे कि आपने 2019 में आपने शुरुआत की हम शुरुआत के बातें हैं कि ये तो हम आपने बता दी शुरुआत आपने कैसे की और आपके दिमाग में क्या आया कि मैं पर्वत और वही इस तरह चोटियों में चढ़ के फतेह करूँगी चोटियों में सर uh, मेरी शुरुआत जो हुई थी वो 2016 में मैं अमरनाथ यात्रा गई थी फिर बैक टू बैक मतलब अमरनाथ यात्रा एक ही बारी होती है आपको पता कुछ टाइम के लिए तो वो बैक टू बैक मैंने दोनों साइड से करी उसके बाद ठीक है वो छुट्टियां जब ऑफिस से मिलती थी तो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग वगैरह पे निकल जाती थी तो छोटे छोटे ट्रैक किए लेकिन मेजर जो ट्रैक था वो 2019 से शुरू हुआ इंडिया का सबसे डेंजर वाला ट्रैक है चादर ट्रैक थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी कि उसमें जनवरी और फरवरी के महीने में होता है जंस्कर एक रिवर है लद्दाख में वो पूरी फ्रीज हो जाती है और चौदह से पंद्रह मीटर की मोटी लेयर बन जाती है वो नदी पूरी फ्रीज हो जाती है और उसी के ऊपर वो पैंसठ किलोमीटर का ट्रैक करना होता है तो वो मैंने किया तो वहाँ से मुझे थोड़ा हौसला मिला कि शायद मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और थोड़ा सा एक वो होता है ना कि कुछ ना कुछ जो बच्चियाँ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो उनके अंदर होता है कि मुझे वो ब्रेक मिले कि मैं कुछ कर पाऊँ तो मुझे लगा कि शायद यही ब्रेक है कि मैं कुछ कर कर सकती हूँ तो नाइनटीन में मैंने चादर ट्रैक किया उसके बाद बाला चंद्रा की हिमाचल में फिर फ्रेंडशिप पीक करी और उससे पहले मेरे को जब मैंने चादर ट्रैक किया तो ट्रैक के ट्रैक एक जो वर्ड है ना वो मैंने गूगल पे सर्च किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए तो उसमें लगा कि नेक्स्ट वाला जो चादर के बाद आया वो माउंट किली था लेकिन माउंट किली अफ्रीका कॉन्टीनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है तो वहाँ और खर्चा वर्चा था वो तीन लाख के आसपास था इतनी सेविंग मनी भी नहीं थी और लगा कि अभी स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं इतना तो नहीं पे कर पाऊँगी तो फिर मैंने हिमाचल के ही एक दो बिक करी और उसके बाद जब थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ तो 19 के लास्ट में ही नवंबर 19 के लास्ट में ही मैंने माउंट क्लीमिन जारो किया फिर न्यूज़ व्यूज़ में थोड़ा निकला तो हाईलाइट हुआ फिर फिर मेरा ये लगा कि हाँ मतलब जो मैं कुछ करना चाहती हूँ ना अपनी लाइफ में अपने देश का अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट लड़कियों पे प्राउड हो कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं तो मुझे वो आ, मिल गया था उस टाइम तक तो उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा मतलब तो कि मीडिया, मीडिया की तरफ से मीडिया की तरफ से तो आपको मदद मिली है लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं <सथ> सर सरकार की तरफ से तो अभी तक भी नहीं मिली है उसके वो माउंट कलीमिनजारों में तीन लाख रुपए लगाने के बाद भी मैंने सेवन थाउजेंड की पीक करी है जिसमें भी साढ़े तीन लाख रुपये का खर्चा था जो लद्दाख में सेवन थाउजेंड है क्योंकि किलीमिनजारों के बाद मेरा टारगेट बन गया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है तो कई बार ना मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ी समस्या होती है पैसे नहीं होते आपने तो बच्चे कहते हैं कि हमने तो ये करना है जीत पकड़ लेते हैं और पेरेंट्स के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है कि अगर पैसे ला के कहाँ से दे अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो जैसे आप लोगों के जो सपने होते हैं वो भी चकनाचुर हो जाते हैं सर मेरा 2012 में डिप्लो कंप्यूटर डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया था पॉलिटेक्निक से तो उसके बाद ही सेम सिचुएशन थी फैमिली की और सोच लिया था कि आगे का जो खर्चा निकालना है वो खुद ही निकालना है तो 2012 में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी प्राइवेट तो कहीं कही ना कहीं वो से, वो मेरा प्लस पॉइंट था कि वो सेविंग मनी मैंने कहीं इधर उधर ना खर्च करके वो सेविंग मनी मैंने करती रही तो मेरी फैमिली ने भी मेरा सपोर्ट किया कि एटलीस्ट खुद अर्निंग कर रही है तो खुद का खुद ही लगा रही है और हम भी पीछे से थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो ऐसे करते करते मैं यहाँ तक पहुंच गया लगभग अब तक आपने कितने चोटियों को फतेह किया सर लास्ट में किली के बाद मैंने अभी रिसेंटली मैं एक रिकॉर्ड बनाया था लद्दाख की दो पीक मैंने क्लाइम करी थी सेवनटीन आर्स में जो सिक्स थाउजेंड प्लस थी और अभी रिसेंटली में जो अभी हुआ है कि माउंट एवरेस्ट को ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट दोनों क्लाइम किए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 12 मेरी पीक क्लाइम हो चुकी है सर जैसे शुरुआत चढ़ाई शुरू कर देते हैं उस टाइम किस तरह की दिक्कतें आती है जैसे कि वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं हौसला किस तरह से वो करते है? कई बार ना ऐसा मौसम हो जाता है कि जी हवा बहुत तेज़ होती है और ठंड इतनी होती है उसके बाद अपने आपको मेनटेन करना दिमाग में संतुलन बनाए रखना कैसा रहता है सर uh, इस इस पार्ट जो माउंट एल्बर्ट्स का अगर मैं डिफ़िकल्ट पार्ट बोलूँ ना तो इसके इस पीक के अंदर आ, आप सेवन फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव किलोमीटर प्रति आर की जो एयर थी ना वो वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था हमारे लिए तो कहीं ना कहीं हम जब चलते हैं तो वेदर कंडीशन जब हमारा सबमिट डे होता है तो वेदर कंडीशन को देखते होते हैं लेकिन 15 को सबमिट करना था तो वो माइंड मेकअप ही था कि भाई 15 को ही सबमिट करना है चाहे ही चाहे कुछ भी हो तो वो एक जनून और वो एक जज्बा होता है कि कुछ करने का के जिद है तो है तो वो इधर वैदर कंडीशनों ने ख़राब हुआ बिल्कुल और उसके बाद फिर हमें विजिबिलिटी ज़ीरो हुई ठीक है तो और टेम्परेचर भी 25 से 30 के आसपास चला गया तो वो सब डिफ़िकल्ट जो पार्ट था ना लेकिन हाँ वो एक जनून था और कि 15 को ही सबमिट करना है और 15 अगस्त को ही अपने देश का झंडा दूसरी दूसरे देश के हाईएस्ट पॉइंट पे हमने लहराना है जी जैसे वहाँ से आप लोग वापस आते हो वापस आने के बाद क्या रहता है कि हाँ कई बार ऑक्सीजन की कम ऊपर तो कमी होती है नीचे आप आते तो बैलेंस बनाने के लिए कैसा रहता है प्रक्रिया सर uh, बिल्कुल अपोजिट होता है कि अगर मैं अपनी अब बात करूं तो मैं हमेशा ही माइनस टेम्परेचर में रहती हूं और बेस कैंप में भी प्लस टेम्परेचर होता है बट वो टेम्परेचर पंद्रह से नीचे ही रहता है और मेरे यहाँ की अगर बात करूं तो मैं थर्टी प्लस टेम्परेचर में आती हूं तो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर वो होता है ना तो एकदम से बिल्कुल डाउन चला जाता है बट डिपेंड करता है कि आपकी डाइट और आपका वाटर लेवल क्या है सिर्फ ये दो दो ही सोर्स हैं जो मैंटेन करने पड़ते हैं अदरवाइज़ तो बिल्कुल टाउन में चला जाता है बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देती है जी आप जैसे बच्चे हैं जो कि पर्वतारोही बनना चाहते हैं और इस तरह से अलग अलग देशों की चोटियों में जाकर फतेह हासिल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आपकी जब सरकार की मदद नहीं आ, मिल रही है तो कितनी डिफ़िकल्ट होता है इस तरह के कार्य करने आ, सर डिफ़िकल्ट पार्ट तो है बट डिफ़िकल्ट पार्ट बिल्कुल भी नहीं है नहीं। जब आपके अंदर वो जोश और जज्बा अगर हो ना कुछ करने का तो फिर सब रास्ते खुल जाते हैं बट बेश आपको सब्र से उस चीज़ पे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी सर so, हर हर चीज एक पेशेंस नाम का जो वर्ड है ना उसको समझना पड़ेगा कि वो किन किन पार्ट में डिवाइडेशन होके आपको कैसे अपने अंदर संजोना है और कैसे आपको अपने आगे बढ़ना है तो मेरी मेरा जो एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ये है कि आपको अगर आपने ठान लिया है स्टार्टिंग में कि मुझे ये करना है तो फिर उसके जो डिफ़िकल्ट पार्ट आएंगे वो आपको कंटिन्यूसली फ़ेस करने हैं आगे बढ़ना है फेस करना है और आगे बढ़ना है दैट इस द मेन पॉइंट बाकी हर गेम में सर कंपटीशन है प्रेशर है वो आपको किस तरीके से करना है लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है और आपने बना लिया है और जीत दें एक तो सब हो जाता है सर तो आप ये सोचते हैं कि कोई अगर आपको स्पॉन्सर ऐसा मिल जाए कि जो आप आगे आने वाले समय में जो आप फतेह करने वाले हो जो आप सोच रहे हैं अगर स्पॉन्सर आप चाहते हैं कि कोई आपको स्पॉन्सर करें आप उम्मीद करती हैं वो स्पॉन्सर आपसे संपर्क करें बिल्कुल सर मैं क्यों नहीं चाहूँगी मैं पिछले तीन साल से चार साल से यही कर रही हूँ कि मैं हर हर किसी को जो मुझे लगता है कि ये मुझे स्पॉन्सर कर सकता है मैं बाय फेस भी जाके मिलती हूँ टेक्स्ट भी करती हूँ ईमेल्स भी करती हूँ तो मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी कि एटलीस्ट आपके आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मैं अपनी बात नहीं कर रही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कैपेबल हैं तो एटलीस्ट आप उनकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर आगे आए तो जैसे ना कई बार स्पॉन्सरशिप की हम बात कर रहे हैं ये तो दूसरी चीज़ क्या है एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं कोई भी कंपनी होती है जैसे कि मोबाइल कंपनी है या व्हीकल कंपनी है या कोई जैसे सोप वाली होगी जो भी है तो अगर वो आपको ऑफर देंगे तो आप उनकी ब्रांड अम्बेसडर बनने के लिए तैयार हैं बिल्कुल सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें क्लोथिंग की जरूरत पड़ती है हमें फ़ोन्स की जरूरत पड़ती है मतलब जो डेली रूटीन में हमें ज़रूरत पड़ती है माउंटेन में भी सेम ज़रूरत पड़ती है फूड की भी पड़ती है अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे ना आना चाहता है फूड में आना चाहता है तो जो भी अगर जो भी जिसका भी कंट्रीब्यूशन होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आगे आ सकता है और मुझे उसको वेलकम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है जैसे भारत में पहली ऐसी महिलाएं जिन्होंने दो चोटियों की इकट्ठे फतेह किया अभी तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं बनाया था और वो भी आज़ादी के पिछहत्तर साल होने पंद्रह अगस्त के मौके पर और इन्होंने कहा कि स्पॉन्सर अगर कोई करना चाहता है इनको और जो मदद करना चाहता है और चाहते हैं कि आपकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने तो भी इसके लिए तैयार है आप संपर्क कर सकते हैं उनका नंबर भी हम डालेंगे आपसे और जो भी आपकी तरफ से जो सहयोग करना है क्यों देश का नाम रोशन किया है और हिसाब की बेटी लगभग पाँच के करीब ऐसी बेटियाँ हैं जो इस तरह के पर्वतारोही और कई अलग, अलग अलग देशों की चोटियों को फतेह करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से एक्चुअली मदद नहीं मिल रही उसको लेके वंचित है तकलीफ भी है लेकिन कह ही नहीं है कि सरकार की तरफ से हमें मदद मिलना चाहिए स्पोर्ट्स में एक तरह के सभी अलग अलग एक्टिविटीज़ के स्पोर्ट्स होते हैं उनमें सरकार की तरफ से फुल मदद मिलता है लेकिन एडवेंचर जो गेम है एक तरह से बड़ी रिस्की होता है इतने ऊपर चोटी में अपने पहुँचना हजारों किलोमीटर को चढ़ना और उसके बाद वहाँ से बैलेंस बनाना और वहाँ जाके अपने देश का तिरंगा फहरा के आना बहुत बड़ी बात है इसको भी सरकार को ध्यान में रखते हो इनके लिए भी कोई ना कोई ऐसे रूल बना के कानून बना के इनके लिए भी मदद होनी चाहिए ताकि आने वाले बच्चे जो भविष्य में जो पर्वतारोही बनना चाहते हैं उनका मनोबल बढ़े और आगे बढ़ने के लिए सोच विचार करें क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ी दिक्कत होती है कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है सपने तो होते हैं लेकिन सपने चकना हो जाते हैं पैसे बगैर कोई काम नहीं होता और स्पॉन्सर तब मिलते हैं जब एकदम से हाईलाइट हो बंदा पूरा देश में जिसका नाम हो पूरी पब्लिसिटी हो तब स्पॉन्सर आगे आते हैं इसके लिए हमारी तरफ से आर एस एन की तरफ से आपसे यही गुजारिश है रीना भट्टी जी को मदद करें और ये आने वाले समय में आपके देश के जैसे फिलहाल तो इन्होंने किया देश का नाम रोशन किया विदेश में जाकर तिरंगा फहराकर आज़ादी के पिचहत्तर साल पूरे होने पे भविष्य में भी इनके सपने हैं बहुत सारे ऐसे चोटियाँ हैं जहाँ पहुँचना चाहती हैं वो आपकी मदद के कारण हो सकती है इसके लिए इनको मदद करें तो आपसे जनता से और जो देख रहे हैं व्यूवर्स उनसे क्या अपील करना चाहेंगे सर मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जो बच्चा कैपेबल है उसका सहयोग करें और मैं साथ में आभारी भी हूँ कि मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है इस पीक के बाद में तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऐसे ही प्यार और सहयोग मेरे ऊपर बनाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए थैंक यू सर थैंक यू रीना जी से हमने बातचीत की सारी बातें आपके सामने रखी कैसे शुरुआत की कैसे दिक्कतें आई कैसी तकलीफें हैं अभी तक इन्होंने कितने चोटियों में चढ़कर फतेह किया और वहाँ से रिकॉर्ड बनाया तो आपसे यही हमारी उम्मीद है कि खबर इसको ज़्यादा जाद से ज़्यादा शेयर करें कमेंट करें हरियाणा के डिप्टी सी हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक तो पहुँचाने के लिए मदद करें ताकि इन लोगों को मदद हो मदद हो गए तो देश का नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे आर एसन का यही प्रयास है कि ताकि इस तरह के खिलाड़ी हैं इस तरह के जैसे एडवेंचर गेम में जो जुड़े हुए हैं और देश के नाम रोशन करना चाहते हैं जो दिल में जिनकी भावनाएं उनके लिए मदद करनी चाहिए और सरकार को योगदान इनकी तरफ देना चाहिए मैं एक अपील करना चाहूँगी कि आर एस एन एक्सप्रेस पेज को आप लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरी स्टोरी और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सहयोग की ज़रूरत है और मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके ताकि वो कुछ करें हमारे लिए और हम आगे बढ़ सकें ताकि देश का नाम भी रोशन हो